बॉलीवुड इंडस्ट्री में वैसे तो कई ऐसे अभिनेत्री हैं जो अपनी फिटनेस और लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड जगत में एंट्री से लेकर अपनी जगह बनाने तक का सफर कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सेलिब्रिटी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाकर फिल्म जगत में इन्हें अलग से पहचान मिल पाती है। ऐसे ही एक अभिनेत्री हैं जो बड़े पर्दे पर अपनी जबरदस्त अदाकारी के दम पर आज एक बड़े मुकाम को हासिल कर चुकी हैं। यह कोई और नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित हैं। अपनी दमदार अदाकारी और अपने शानदार डांस के लिए माधुरी दीक्षित जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी खासी है। अपने डांस और कथक को लेकर माधुरी दीक्षित काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। वे दिन में 3 से 4 बार जरूर कथक करती हैं। साल 1994 में माधुरी ने फिल्म अबोध से अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत की थी और तब से वो लगातार आगे ही बढ़ रही है। यहाँ उनकी फोटोज और वीडियोस को फैंस का काफ़ी अच्छा प्यार मिलता है। वहीं आज माधुरी दीक्षित एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीती हैं और इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और सफलता का ही हाथ है। माधुरी दीक्षित अपने आप को फिट रखने के लिए योगा, कार्डियो, जिम जैसी चीज़ें करती हैं ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें। बात माधुरी दीक्षित की घर की करें तो वो अपने पति श्रीराम माधव के साथ मुंबई के पाल्टियन स्थित अपने आलिशान बंगले में रहती हैं। इस बंगले में हर एक सुविधा मौजूद है जो इसको लग्जरी बनाती है। इस घर की कीमत करोड़ों में है। बाकी सेलिब्रिटी की तरह माधुरी दीक्षित को भी लग्जरी व महंगी कारों का शौक है। बात करें उनके यदि कार कलेक्शन की तो उनके पास रॉल्स रॉयस, ऑडी, स्कोडो रैपिड और इनोवा क्रिस्टा जैसी कई कारें मौजूद है। इन सब कारों की कीमत लाखों व करोड़ों में है। दोस्तों, बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित अपने फेस एक्सप्रेशन के लिए भी जानी जाती हैं। वो अपने फेस से लेकर अपने हर एक मूवमेंट को काफ़ी अच्छी तरह से करती हैं, जैसे कि एक्टिंग की दुनिया में वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। माधुरी दीक्षित की कमाई काफ़ी अच्छी खासी है। वे फिल्म ब्रांड प्रमोशन, विज्ञापन और सोशल मीडिया के जरिए अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। इनके इंस्टाग्राम पर कुल 32 मिलियन फॉलोअर हैं। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक वह एक महीने में करोड़ों रुपए कमा लेती हैं और साल में वह 12 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमा लेती हैं। माधुरी दीक्षित को करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी कहा जाता है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक उनके पास 250 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। वही साल 2012 में उनकी कुल नेटवर्थ 270 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।